और अब रुख करें मवेशी मंडियों का। सगिया पुल पर कायम मवेशी मंडी में जानवरों की कसीर तादाद मौजूद है, शहरियों को पसंद के जानवरों की तलाश है। इस वक्त मवेशी मंडी की क्या सूरत हाल है बता रहे हैं अली रजा। अली रजा बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सगिया मंडी में मौजूद हूं और इस वक्त यहां पर लोगों का एक जमे गफीर है। चूंकि मुकाबला सख्त है और वक्त बहुत कम है और लोग जानवर खरीदने के लिए यहां पर पहुंच चुके हैं। व्यापारियों और गाहकों के दरमियान नोकझोंक का सिलसिला जारी है और व्यापारी भी यहां पर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। चूँकि आज मंडियों में गाहक की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से गाहक भी अब क्योंकि उनके जानवर जल्दी फरोख्त हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अच्छा भाई, बताइएगा कि क्या आपने जानवर जो है रेट थोड़े कम लग रहे हैं या बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी, जो पहले जैसे ये मंडी में आते हैं बकरे, उस दिनों से थोड़ा सा कम लग रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम जो है वो कम रह गया है। पहले चूंकि टाइम ज़्यादा था, इसलिए व्यापारी जो अपनी मर्ज़ी से रेट थे कि जी अभी टाइम काफ़ी है, वो भी मुतमिन थे। लेकिन अब चूँकि जैसे जैसे टाइम जो है करीब आ रहा है, इसलिए रेट थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन इतना भी नहीं हुआ। अभी जो है आम पौन से दूर है रेट, तो इसलिए जो है ना अभी रेट इंक्रीज़ है। जैसे जैसे चूँकि अब गाहक ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए अब ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है रेट, कम होने की बजाय जो दरमियान में आया था कोई मौसम का भी असर था। लेकिन अब जो है रेट इस वक्त ज़्यादा हो गया है, चूँकि कस्टमर ज़्यादा आ गए हैं, जितने गाहक ज़्यादा आएंगे रेट ज़्यादा होगा। अच्छा बिल्कुल, यहाँ पर आपने गाहक की तो बात सुनी, हमारे साथ यहाँ पर व्यापारी हज़रात भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे, गाहक आके क्या डिमांड कर रहा है आपको, आपको जानवर के उसके मुताबिक रेट लगा रहा है? गाहक बिल्कुल हूँ सही रेट लगा रहा है, पहले कम रेट लगा रहा है, हूँ सही रेट लगा रहे हैं। तो अब तो जानवर, अब आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि जानवर कम हो जाएंगे गाहक ज़्यादा हैं? नहीं, गाहक भी ज़्यादा है, जानवर कम हो गया है, गाहक हूँ ज़्यादा है, हूँ आप पहले दे नस्बत हूँ 5,000 बकरे का मूल ज़्यादा है। अच्छा बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना, यहाँ पर व्यापारी और गाहक दोनों ही बहुत मुतमिन नज़र आ रहे हैं। चूँकि दिन थोड़े रह गए हैं, सिर्फ 2 दिन बाकी हैं ईद में, और इस वजह से यहाँ पर लोगों का काफ़ी रश लग चुका है। लोग जानवर खरीद रहे हैं, बकरे खरीद रहे हैं, बैल खरीद रहे हैं, ऊँट खरीद रहे हैं, और फैमिलीज भी यहाँ पर पहुँची, और इसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा जैम है। लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जानवर खरीद रहे हैं, व्यापारी और गाहक दोनों ही काफ़ी मुतमिन नज़र आ रहे हैं। जी जी बहुत शुक्रिया अली रजा, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे।